जब तक अंबानी और अडानी नहीं कहेंगे तब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। देश के किसान को आप पागल नहीं बना सकते। अरे मंत्री जी, सबसे बड़े ठल्लुए तो आप जैसे लोग हैं जिनके हाथ में देश की गरीब जनता ने कुर्सी दे दी। उसे किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कच्छ चले गए थे, यहाँ आने का उनको टाइम नहीं। उन्होंने संबोधन किया, किसानों को संबोधित किया 27 तारीख को, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री जी का मंत्री नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई लोकल विधायक नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया। क्या लगता है आपको, क्या किसान है या नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था, ये आपकी मिस्टेक है कि आपके कान से ठीक से सुनाई नहीं देता। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ चौकीदार हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ। उन्होंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा था, लेकिन ना आप समझ पाए ना मैं समझ पाया। वो चौकीदार थे, मालिक कोई और है। मालिक है अंबानी और अडानी। तो चौकीदार कहीं भी जाए, मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश का मालिक जो है वो देश में रहना चाहिए। अंबानी और अडानी के लिए ही इस बिल को लागू किया गया है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसलिए चाहे प्रधानमंत्री जी कच्छ जाएं, चाहे वो काशी जाएं, चाहे वो मथुरा जाएं, चाहे वो गुजरात जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। क्योंकि जब तक अंबानी और अडानी नहीं कहेंगे तब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। 1950 से लेकर 1960 तक जो कृषि प्रणाली भारत देश के अंदर लागू करने की बात की जा रही है, वही अमेरिका और यूरोप के कई राज्यों में 1950 और 60 में लागू कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक इस प्रणाली को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर, घटिया से घटिया होती जा रही है। तो ऐसी चीज जो विदेश में बैन कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, उसको भारत देश के अंदर लागू क्यों किया जाता है, सबसे पहला प्रश्न। दूसरी बात, जब आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप के देश में इस कृषि प्रणाली को लागू करने से वहाँ पर 40% जो सुसाइड रेट है वो बढ़ चुका है जी, कॉमन क्षेत्र के मुकाबले में, निजी क्षेत्र के मुकाबले में वहाँ पर 40% जो है आत्महत्या का रेट बढ़ चुका है, तो आप भारत देश के किसानों के लिए ऐसी प्रणाली को क्यों लागू कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है, 2006 के अंदर यही सेम प्रणाली जिसके तहत मंडियों को बंद कर दिया गया था, बाजार प्रणालियों के ऊपर संशोधन कर 2006 के अंदर बिहार के अंदर लागू किया गया। 2006 से लेकर आज तक इस प्रणाली को 14 साल हो चुके हैं। 14 साल हो जाने के बावजूद भी आज भी बिहार का किसान पूर्ण रूप से अपनी फसल को बेचने के लिए आता है पंजाब और दिल्ली। यानी कहने का मतलब यह है कि वो आज भी 14 साल से पंजाब और दिल्ली के ऊपर निर्भर है। तो आप ऐसी कार्य प्रणाली जो कहीं भी सफल नहीं हुई, वो आप उसे इस देश के मजबूर, लाचार और असहाय किसान के लिए क्यों लागू करना चाह रहे हैं? सर, 29 तारीख को एक बार फिर कहा गया है कि छठे दौर की वार्ता होगी 29 तारीख को, क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं भी कृषि मंत्री जी का बयान देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा दिल तो खुला हुआ है, हम तो खुले दिल से बात करना चाहते हैं, लेकिन किसानों के पाले में सरकार गेंद लगातार डाल रही है। अब 29 तारीख डेट फिक्स कर दी गई, क्या लगता है सर, आंदोलन 29 तारीख को आपको लगता है कि खत्म हो जाएगा? क्या सरकार जो बिल लेकर आई है वापसी होंगे, उसमें क्या आपको लगता है सर? देखिए, खत्म होगा तो देश की सरकार के लिए और देश के किसानों के लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन ये बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार की बैठक में भी कोई समाधान निकलने वाला है। उसका कारण ये है कि किसान अपनी मांग पर अडिग है। किसान कह रहा है कि हमें ये बिल वापस चाहिए, संशोधन करने के लिए किसान एग्री नहीं है। आपने देखा इतनी बार की मीटिंग हुई, अगर संशोधन की बात होती तो किसान तैयार हो जाता संशोधन के लिए, लेकिन किसान संशोधन करने के मूड में नहीं है। वो इसलिए मूड में नहीं है क्योंकि किसान अब समझ चुका है। किसान को जब तक पागल आप बना सकते थे, जब तक किसान के पास में कोई सुविधा के साधन नहीं थे, किसान के पास दिमाग नहीं था, लेकिन आज किसान पढ़ा लिखा भी है, बड़ा व्यापारी भी है किसान, और अपने आप को बड़ा उद्योगपति भी समझता है। और देश के किसान के बच्चे आज हर चीज में आगे हैं, देश के, चाहे वो सरहद की हिफाजत की बात हो, चाहे फिर वो देश के किसी भी क्षेत्र की बात हो, देश के किसान का बच्चा हर चीज में समझदार है। और देश के किसान ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं है जी, कृषि इसलिए करते हैं, खेती इसलिए करते हैं क्योंकि वो खेती से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस देश के अंदर बड़े बड़े आपने देखा होगा उद्योगपति, जिनके पिताजी आज भी खेती करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। देश का किसान पढ़ा लिखा है, समझदार है। फर्क इतना है कि देश के किसान को आप पागल नहीं बना सकते। देश का किसान अब पूर्ण रूप से कह रहा है कि आप इन तीनों बिलों को, तीनों असाइनमेंट को वापस लीजिए, क्योंकि एक और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बिल गंगा से भी साफ है जी।
अगर गंगा से भी साफ है तो आप संशोधन करने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है, तभी आप संशोधन के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए अब देश का किसान समझ चुका है कि इस बिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ नहीं, पूरा का पूरा बिल ही गड़बड़ है। और ये प्रधानमंत्री जो वोट लेता है सीता के पति के नाम पर और काम करता है नीता के पति के नाम पर, ऐसे प्रधानमंत्री को अब देश से बदलाव करने की जरूरत है। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि किसान आंदोलन में फंडिंग हो रही है राजनीतिक पार्टियां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है कि राजनीतिक पार्टियां किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है, और वहीं मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि ये ठलुआ है, रजाई ओढ़ने के लिए आंदोलन में आ रहे हैं, कोई गर्म पानी से नहाने के लिए आंदोलन में आ रहा है, किसी के घर में काम नहीं था वो आंदोलन में आ रहा है, ये प्योर किसान नहीं है। अरे मंत्री जी, सबसे बड़े ठलुए तो आप जैसे लोग हैं जिनके हाथ में देश की गरीब जनता ने कुर्सी दे दी, और कुर्सी से आप ऐसे चिपक गए, न जाने कौन सा फेविकोल का वो मजबूत जोड़ था जो आप कुर्सी से हट ही नहीं रहे हैं। आपसे बड़ा ठलुआ कौन सा होगा? जिस देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि देश की जनसंख्या कितनी है, जिस देश के को नेताओं को आत्मनिर्भर बोलनी पाते, आत्मनिर्भर बोलने के लिए तीन बार करते हैं आत्मनिर्भर बोलने के लिए उन्हें अंजनम कश्यप की जरूरत पड़ती है, और आप तो सबसे बड़े ठलुए हैं जिन्हें देश की कुर्सी मिल दी। आपने कौन सी, आप ये बताइए ना मुझे, आप कौन सी डिग्री लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस की जो आपको कुर्सी मिल गई? कितने पढ़े लिखे हैं आप? सबसे बड़े ठलुए हैं आप जो आज आप देश की गरीब जनता का पैसा लेकर, आपके अंबानी और अडानी के घर में पैदा हुए थे हैं, आपके पास पैसा कहां से आया? एक बात मुझे बताइए, इनके निगम पार्षद एमएलए जिनके पास खाने को रोटी के पैसे नहीं होते लेकिन बीजेपी में जाकर नेता बन जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपया हो जाता है, इन्हें कौन फंडिंग कर रहा है? इनको कहां से विदेश से मदद आ रही है ये तो बताइए मुझे। और आप देश के किसान को खिलाने की औकात न सरकार की है न विपक्ष की किसी सरकार की औकात है। देश के किसान, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिख भाई हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के यहाँ पर लोग हैं जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुद्वारे में आपने लंगर चलते हुए देखा होगा जी, वहाँ कहाँ से फंडिंग आती है? नहीं आती ना कहीं से फंडिंग, लेकिन गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है, राजा हो या रंक सभी एक ही जगह बैठ के खाते हैं, तो गुरुद्वारे प्रबंधक के लोग और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने किसान भाइयों को मदद कर रखी है, वो लोग आकर यहाँ लंगर चला रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम लोग भी हैं जो यहाँ पर आकर कभी कंबल बांट के जाते हैं, बहुत से पंडित लोग हैं जो यहाँ पर आकर लोगों की मदद करते हैं, ब्राह्मण लोग हैं जो लोगों को यहाँ पर खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि किसान की ना कोई जाति होती है, ना कोई इसका धर्म होता है, ना कास्ट होती है, ना रिलीजियन होता है, उसका सिर्फ एक धर्म एक जाति होती है, वो होती है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इसके अलावा ना उसकी कोई जात होती है ना रिलीजियन होती है। और ये तो देश की सरकार के अनपढ़ जाहिल गवार मंत्री हैं जो ना जाने कहां से पढ़ लिख कर आए हैं, जिन्हें देश के किसान के लिए सही शब्द भी प्रयोग नहीं किए जाते। एक आखिरी सवाल मोहित शर्मा जी आपसे, ये आपने लंगर की बात की, गुरुद्वारे की बात की, अभी राकेश टिकैत जी ने एक सवाल उठाया था कि हमारे मंदिर में भी लोग चढ़ावा देते हैं, दान करते हैं, बहुत लोग पुण्य का काम करते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई कि आप देश का अन्नदाता ही सड़कों पर है, तो क्या मंदिरों को, राकेश टिकैत जी ने यह बयान दिया, मंदिरों के पुजारियों को भी आना चाहिए, मंदिर संस्थाओं को भी आना चाहिए, इनके बीच में अन्नदाता की जो पुकार अन्नदाता के लिए आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ के कर दिया और उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया है राकेश टिकैत जी के ऊपर कि राकेश टिकैत ने ब्राह्मणों को गाली दी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो सिर्फ राजनेताओं का काम है पॉलिटिक्स करने का। बहुत सी जगहों पर आप जाके देखिए, सिंधु बॉर्डर पर आप जाकर देखिए, वहां पर कुछ ब्राह्मणों ने भी लंगर लगा रखा है, ऐसा नहीं है। आप इस किसान आंदोलन को कृपया कर दोनों हाथ जोड़ निवेदन है कि इस आंदोलन को जाति धर्म या कम्युनिटी से ना जोड़ें, क्योंकि अगर ये आंदोलन भागों में बट गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज मैंने 1947 में जब अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा गया, तब मैं इस देश के अंदर नहीं था, तब मुझे नहीं पता कि कैसे अंग्रेजों को खदेड़ा गया, लेकिन आज जरूर देखने को मिला है। आज आप ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरती हमारे देश की है, छोटा सा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान आज आपको इन बॉर्डरों पर नजर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहचानना मुश्किल हो जाएगा जनाब, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, क्योंकि खेती करने वाला हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो आप किसान को जाति और धर्म में ना बांटें, क्योंकि
किसान को जो भी मदद करना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वेच्छा से मदद करे, और वरना देश का किसान है ये तो अपने घर एक एक साल राशन जमा करके भरता है, इसको किसी की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने घर से भी राशन लाकर पूरी जनता का पूरे देश का पेट भर सकता है, तो इसका पेट कोई नहीं भरेगा, ये सबका पेट भर देगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।